अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका फिर से मैं स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल कतर खबर YouTube चैनल पे। तो साथियों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। साथियों, आज की वीडियो की सबसे पहली जो खबर दोस्तों आ रही है टीटी सिंगापुर एयरलाइंस में, जिसमें फ़्लाइट जो है वो लंदन जा रही थी, जिसमें फ़्लाइट के दौरान किसी तरह का टर्बुलेंस हुआ रूट में, जिसकी वजह से पूरी तरह से तो फ़्लाइट में अफरा तफरी मच गई, जिसके वजह से बैंकॉक में इमरजेंसी लैंडिंग की गई, ऐसा साथियों बताया गया है। साथियों बता दूं आपको, फ़्लाइट की हालत जो है बहुत ही ज़्यादा बर्बत्ता हो गई थी। साथियों मेरे पास वो फ़ोटोज़ फ़िलहाल अभी नहीं, इसलिए मैं आपको उस फोटो को नहीं दिखा पाऊँगा। तो ये दोस्तों घटना थी, सिंगापुर एयरलाइंस की घटना थी। और साथियों सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि इस घटना में लगभग 30 लोग इंजर्ड हुए हैं, यानी 30 लोग लगभग घायल हुए हैं और एक यात्री की वहाँ पर मौत भी हो चुकी है। ये फ्लाइट सिंगापुर से लेकर लंदन तक जा रही थी, किसी तरह का टर्बुलेंस हुआ रूट में, जिसके वजह से इमरजेंसी लैंडिंग बैंकॉक में ही करवानी पड़ी। पर दोस्तों अच्छी खबर इसमें यह है कि किसी तरह से इमरजेंसी लैंडिंग बैंकॉक में करवा दिया गया है, एक शख्स की मौत हुई है, बाकी सभी लोग ठीक हैं। और जो भी लोग इंजर्ड हुए यानी घायल वगैरह हुए थे, उन लोगों को नज़दीक वहाँ पे आनन फान में तुरंत थाईलैंड में ही वहाँ पे इलाज के लिए हॉस्पिटल वहाँ पे ले जाया गया। फिलहाल सभी के इलाज कंप्लीट होकर सभी को अपने अपने मुल्क भेज दिया गया। पर दोस्तों ये बहुत ही बड़ी दुर्घटना घट सकती थी। साथियों अगली जो खबर आ रही है, साथियों वैसे ये इंडिया से खबर है पर बहुत ही बड़ी खबर है। साथियों आपको पता होगा गर्मी के टाइम का आम का सीज़न आता है, तो दोस्तों आप क्या सोचते हो कि आम का एक किलो का कितना कीमत हो सकता है? ज़्यादा से ज़्यादा 200, 300, 400, 500, 1000। पर साथियों बता दूं आपको, कर्नाटका में एक आम जो है, एक किलो का आम लगभग 3 लाख रुपए में बिका है, यानी 1 केजी आम को 3 लाख में बेचा गया है। तो वीडियो के स्क्रीन पर दोस्तों जिसका फोटो देख रहे हैं साथियों, आम की ये एक तरह का बैगनी कलर का ये आम होता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा कम पाया जाता है और काफ़ी बीमारियों से ये कारगर होता है बचने के लिए, जिसके वजह से फार्मर के जो वहाँ ये आम को जापान में ही सिर्फ उगाया जाता है। इस जापान के जो मालिक है उनका नाम है जोसेफ लोबो, उनके तरफ से ये बताया गया है कि ये लगभग 12,000 स्क्वायर फीट में गार्डन में उन्होंने लगाया है और 1 किलो आम कर्नाटका में 3 लाख रुपये किलो बेचा गया, जो अब तक का दोस्तों रिकॉर्ड बताया जा रहा है। तो दोस्तों छोटी सी खबरें थी, अपडेट्स थी जो कि आ रही थी, मैंने अब तक शेयर किया। मिलता हूँ साथियों नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।